इतना पड़ेगा काम को समझ के खोलो। अरे रंगोली डाल के इसको मिक्स किया जाएगा अच्छे से। ये नमक डाला जाता है इसमें। अगर मान लो हम रहते उसकी जगह तब सीखा किसी को से खा लेते हैं अपने हाथ से खाएंगे पहले। ऐसे नहीं बढ़िया लगा अपने हाथ से खाओगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं बढ़िया लगा। इसको बनाने का सबूत भी है कुछ हमारे पे भी कुछ रहना चाहिए कि हम लाते हैं तब बनाती है। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी जोड़ी। तो दोस्तों आज शिखा बना रही है मूली के पराठे और यहाँ पे देखिए मूली को रेत रही है तो इसको फटाफट कद्दूकस कर लेते हैं। फिर इसके लिए कपड़ा इसको धुले हैं। और उस कपड़े पे करना होगा डाल के इसका पानी निकालेंगे ना। जो कुछ भी होता है सब कुछ आपको दिखाते हैं दोस्तों जैसे होगा तैसे सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो बड़े दिनों से प्लानिंग चल रहा था मैं तो अभी फर्स्ट टाइम में इसको मूली के पराठे को खाऊंगा। अगर आप कभी खाए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि हम कभी अपने लाइफ में कभी मूली का पराठा नहीं खाते। गोभी का पराठा नहीं खाते हम जब वहाँ दिल्ली लेकर गए थे तुमको जब भागल में हमने दिल्ली गए तब वही समय दिल्ली में हम लोग को वहाँ पे लाल किला के सामने पराठे वाली गली है उसी पराठे वाली गली में हम लोग को हर चीज का पराठा मिल रहा था तो वहाँ पे हम लोग गोभी का पराठा खाना प्रीफर किए थे। तो उसके बाद बस गोभी पराठा वहाँ खाते आज मूली पराठा यहाँ खाने वाले हैं। और ये तुम पहले कभी बनाई है उसको कितनी बार दो तीन बार बनाए मेथी का बनाए थे इसका बनाए गोभी का बना था। अच्छा लेकिन हम नहीं खाए आज हमको भी खिला दो पहली बार तुम। ठीक है ठीक चलिए तो फटाफट कद्दूकस कर लेते हैं फिर इसके बाद क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं और हमारी YouTube फैमिली को आप लोग को भी हम बताएंगे ना बताओगे नहीं। हाँ, आप लोग को भी बताएंगे अपने YouTube फैमिली लोग को भी बता दिया जाए आज की कैसे बनता है मूली का पराठा। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो अगर जानते होंगे तो उम्मीद है कि इससे अच्छा बना पाएंगे। तो पहले इसको कुछ इस तरीके से मूली को रेता जाता है। तो दोस्तों देखिए मेरा सब कद्दूकस कर लिए हैं और इसके लिए मैंने कपड़े को साफ कर दिया था दोपहर में ही और इसको लेकर आए हैं और इसमें रख के इसका पानी पहले निकाल लेते हैं नहीं तो ऐसे मेरा फटने लगेगा। पानी निकालने का तरीका ये जैसे लगता है जैसे छेना में से निकालते हैं पानी न बहुत पानी निकल रहा है यार बहुत ज्यादा। और ये सब देखिए दोस्तों हम लोग का जो बोरी है ना वो फट गया है क्योंकि जो यहाँ पे गिलहरी रहता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे ऊपर गिलहरी घोंसला लगाया है छोटा सा तो उसके लिए ये पूरा हम लोग का ये देखिए सब फाड़ दे रहा है बाहर जब डालते हैं धूप में हम लोग वैसा लग रहा है नारियल का बुरादा है ना वैसे ही लग रहा है नारियल के बुरादे की तरह लगने लगा भी है। इस पानी को रख लेते हैं उसको रख लीजिए कि उसमें जब वो आटे में कम होगा तो उसको डाला जाएगा। मूली के पराठे के लिए सबसे इसमें मसाला तैयार करने के लिए पहले इसमें 3 मिर्चा डाल दे रहे हैं फिर अदरक फिर इतना लहसुन डाल देते हैं ये रहा थोड़ा सा जीरा और इसको भी डाल के इसको अच्छे से इसको डालने के बाद अब इसको खोल लेंगे। खोल अब बारी आ गई है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए और उसको चलते हुए खोल लेते हैं हम लोग। जोर से खोलो नहीं खुलना पड़ेगा हमको समझ के खोलो। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है जैसा कि देखिए खून चुके हैं उससे अच्छे से नहीं खुना पाया था इसलिए हम खून दिए इसको ठीक से। और इधर रहा हमारा मूली और वहां पे आ गई बारी अब आटे की। आटे में क्या क्या मिलाया जाएगा सीखा वही पेस्ट मिलाया जाएगा तो चलिए इसको इसमें डालते हैं। पेस्ट तैयार हो गया मेरा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो है बिल्कुल पेस्ट तो नहीं बना लेकिन खड़ा गिरा गया इसको गिरा चुके हैं। थोड़ा सा मसाले का प्रयोग करेंगे हम लोग थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं इसके ऊपर हम लोग मिलेगा इसमें। अभी ये रहा हमारा मेन नारियल बुरादा मजाक में बोल रहे हैं लेकिन है मूली अब नारियल बुरादा समझ के उसमें मत डाल दिया खरीद के ले आया। अब मूली डाल के इसको मिक्स किया जाएगा अच्छे से। ये नमक डाला जाता है इसमें अब ये जो हम लोग का मूली का पानी बचा हुआ था उसको इसी में ले लिए हैं और उसी के अंदर डाल रहे हैं उसी में डाल देना है हल्का हल्का करके डालें नहीं तो अभी अभी नमक डालेंगे तो और गीला हो जाएगा। उधर आटे को गूंथा जा रहा है हमारे आटा जो देखिए गूंथा जा रहा है और अभी हमको गूंथना आता था उन्होंने पटक पटक के गूंथ दिया। अगर मान लो हम रहते उसकी जगह तब सीखा किसी गूंथते हमने कैसे गूंथ तो बचा के रहा पड़ी दोस्त। और यहाँ पे देखिए गुठा गया है आटा क्या हुआ ऊपर कर दीजिए इसको
और कुछ? थैंक यू। और कुछ? बस। अब यहाँ पे कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद हमारा जो आटा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सिज के रेडी हो चुका है। अच्छे से। जैसे आप जानते हैं छोले भटूरे बनाने के लिए आपको आटे को रेडी करना पड़ता है, पहले सिझाना पड़ता है। और यहाँ पे सीखा कढ़ाई हाथ में ली हुई है, टोपी पहने हुए और कढ़ाई को रखते हुए एक शानदार से हाथ को आगे बढ़ाते हुए ये रखेगी, पहले लाइटर उठा के मारेगी चौका। इसका चौका आ रहा है, कढ़ाई रख लिए। कढ़ाई रखने के बाद तेल और तेल कम पड़ेगा, एक एक छानना है ना, हो जाएगा एक एक छानना। ये हो चुका है, गैस भी स्लो चल रहा है, उनका गैस भी खत्म होने वाला है एकदम धीमी आंच पे, उसको शुरू कर दिया है, तेल गर्म होने लगा है। अब स्टार्ट कर दिया, लोई बनाना स्टार्ट कर दिया, करने की लोई बनाना स्टार्ट हो गया है। और कितने बड़े बड़े ले रहे हैं, थोड़ा इसका इस ये पराठा ना थोड़ा मोटा बनाते हैं। फिर देखिए लोई बनाकर मैंने ऐसे ऐसे करके अब इसको बनाते हैं यहाँ पे पूरी की तरह। और उधर मेरा तेल लाल हो रहा है, तब तक इसको फटाफट बना लेते हैं। तेल चेक करना होता है तो ऐसे चेक करते हैं। अभी लाल नहीं हुआ है दोस्तों, धीरे से आया है, तुरंत आता है तो सही रहता है। अब चलिए इसको छोड़ते हैं तेल में। इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे तब सही रहता है। अब इसको ऐसे पलट देते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग का पूरी बन के तैयार हो गया, और ये रहा आलू टमाटर की सब्जी, और पूरी के साथ खाने में मजा आ जाएगा। यही हम लोग का गोभी का पूरी है, जिसमें कि आप देखिए गोभी का नहीं दोस्तों मूली का, गोभी का पूरी भी बनाने वाले थे ना इसलिए याद आ रहा है, मूली का पूरी। हाँ, इसको अगर तोड़ के दिखाए हम, तोड़ो इसको, सिखाओ एक हाथ से पकड़ो, तोड़ो उधर से, दो तोड़ो यहाँ से, देखिए अच्छा से बना है, बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए इसको खाएंगे अभी हम लोग, उसके बाद आप लोग को भी खाना है तो बताइए कमेंट में, आइए नहीं तो एड्रेस दीजिए, पार्सल कर देंगे हम आप लोग के लिए। दोस्तों यहाँ पे सीखा खाने लगी है, इससे पता कर लेते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। आपको स्वादिष्ट लग रहा है मैम? हाँ जी। कितना स्वादिष्ट? बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। गिनती में बता दीजिए। खा लेते हैं, अपने हाथ से खाएंगे पहले, ऐसे नहीं बढ़िया लगा। अपने हाथ से खाओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे नहीं बढ़िया लगा। तो दोस्तों मूली के पराठे हम लोग खा के खाली हो गए हैं, उसको ला के अभी को बैठे हैं बिस्तर पे, और बिस्तर का हाल कुछ यूं ही है, ऐसा ही हम लोग का पड़ा हुआ है। और ये अभी बहुत कुछ रेसिपी बना लेती है, बहुत कुछ बना लेती है, बड़ा चंचल है रेसिपी बनाने के चक्कर में। आपको लेना होगा इसको, जो पराठा पराठा जो कहेंगे आप लोग वो बना लेगी। बहुत ज्यादा मतलब नहीं तो नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर खाना ही बना लेती है, और इसको बनाने का सबूत भी है। कुछ हमारे पे भी कुछ रहना चाहिए, हम लाते हैं तब बनाती है। तुम्हें बताओ, नहीं लाते तो किसे बना देती? सामान रहेगा तभी ना बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। बस तो रोज सोचते हैं कि हम लोग कौन सा वीडियो बनाए, डेली ब्लॉग देते रहते हैं। डेली ब्लॉग देने में भी आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, बात ये पड़ जाता है, इसलिए हमें सोचना पड़ जाता है कि डेली हम क्या ब्लॉग दें। यहीं पे बैठना है, यहीं पे सुबह में बनाना है खाना है, फिर शाम तक बनाना है, बीच में एक बार मार्केट कर लेना है। समझ नहीं आता कि आप लोग को कैसा वीडियो दे, कैसा इंटरेस्टिंग वीडियो दे। अगर आपके मन में कोई भी चीज हो कि आप लोग ऐसा वीडियो बनाइए, वैसा वीडियो बनाइए, वैसा तो आप लोग कमेंट करिएगा, बना देंगे हम लोग। कमेंट करके आप बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय गुड बाय नाइट दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, दोस्तों बाय बाय दोस्तों। तब तक इसको हम मारते हैं।